नमान, अगर आप कहें तो मैं सोमिया को फोन करके बात करूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें बात ही करनी होती छोड़ के ना जाती। इस तरह बगैर बताए कौन जाता है? लापरवाही की भी हद होती है। उधर से अम्मी फोन करके मुझे सुना रही है कि कहीं तुमने तो कुछ नहीं कह दिया। नमान, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि सोमिया से बात करके नाराजगी को खत्म करें, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर आप सुन लेते ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। घर का सुकून खराब हो गया। थोड़ी देर के लिए चुप करोगी तुम? आ गई आप? क्या हो रखा नहीं आपकी बेटी ने आपको? बेटी रख लेती तो बेटा कहीं का ना रहता। बेटा तो कहीं का रहा भी नहीं। इज्जत ही कहां छोड़ी आपने उसकी? रिश्तेदारों में, मोहल्ले में इतनी बेइज्जती तो कर दी मैंने। मैंने रुमान छोड़े ना? नहीं रहे ना। ऐसे कैसे छोड़ दी? मेरा बाप क्या मरा? मेरे अपनों ने तो मुझे रद्दी का माल समझ के किनारे पे लगा दिया। बहन ने ना इज्जत रखी, माँ ने ना मेरा मान रखा। बाप और बेटा इज्जत और मान देते हैं नुमान। अगर किसी को ऐसा लगे कि उसकी माँ और बहन की वजह से उसकी मान और इज्जत खतरे में है, बहुत जरूरी है कि वो अपना मुहासबा करे। नुमान, मैं कह रही हूँ छोड़ दे, यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तुम तो अपनी लगाई बुझाई बंद कर दो राहिला। पहले ही तुमने मेरे घर का सुकून चूल्हे में झोंक दिया है। मैंने? ये सिला मिल रहा है मुझे नुमान? तुम्हें तो तुम्हारे किए कराए का सिला मैं नहीं, अल्लाह देगा। बस कर दे अम्मी, अपने तानों के तीर हम पे बरसाना बस कर दे। खुदा के लिए जीने दे हमें। जैसे अपनी बेटी को मर्जी करने दिए ना, उसका हक है उसके पास, इस तरह खुदा ने भी हमें हक दिया जीने का। तो जियो, किसने रोका है? बस एक बात याद रखो, जो लोग दूसरों के आशियानों में आग लगाते हैं, एक ना एक दिन वो उस आग की तपिश में खुद जल जाते हैं। नमान, नमान देख रहे हो? ये सब सोमिया से मुलाकात का असर है। उसी ने हमारे खिलाफ मुमानी के दिल में जहर भरा होगा। अब तो हमें बददुआएं तक देने लगी है। अगर इनको मेरा वजूद इस घर में पसंद नहीं है ना, तो मैं चली जाती हूँ। प्लीज तुम मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत खड़ी कर। रुमान, एक दिन यही होगा कि ये दोनों माँ बेटी मिलके मुझे इस घर से निकाल देंगे। अहिला, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। ये तुम्हारा भी घर है। सोमिया ने मुझे फोन पर थ्रेट किया कि वो मुझे इस घर से निकाल के दम लेगी, और मुमानी का रवैया बता रहा है कि ये सब सोमिया की कोशिशों का ही नतीजा है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं इतनी आसानी से इन सब की बातों में आके तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा क्या? आखिर मेरा जुर्म क्या है नुमान? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस राहिला, हौसला रखो, कोई जुर्म नहीं है तुम्हारा। ये तो बस सोमिया से अम्मी की जज्बाती वाबस्तगी, इसलिए उनकी बातों में आ गई। सोमिया समझती है कि इस घर के दरवाजे मैंने उसके लिए बंद किए, जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझसे क्यों इंतकाम लेना चाहती है? कोई इंतकाम नहीं ले रहा है।
मैं जानता हूँ कितनी मुखलिस हो तुम सबके साथ। सिर्फ आपके समझने से क्या होगा, मुमानी और सोमिया तो मुझसे नफरत करते। लेकिन मैं तो नहीं करता ना, और कर भी नहीं सकता। किसी की बातों में आके आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी नहीं छोड़ूंगा।